एवरीवन, आप सभी को मेरा प्रणाम। पहला, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू कुमाऊनी फैमिली ब्लॉग्स। तो आज हो गया है ट्यूसडे और आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ सुबह के 11 बजे से। तो अभी जस्ट मैं नहा के आई हूँ और सुबह के सारे मैंने काम निपटा दिए थे और उसके बाद ही फिर मैं नहाने के लिए गई। और आज है हस्बैंड का और सासू माँ का फास्ट। मम्मी का तो है एकादशी का फास्ट और हस्बैंड का है ट्यूसडे का फास्ट। तो हस्बैंड तो चले गए हैं ऑफिस को और मैंने उनके लिए ड्राई फ्रूट रोस्ट करके रख दिए थे तो वो लेके गए हैं और एक बॉटल में जूस लेके गए हैं। उसके बाद नौमी को भी मैंने ब्रेकफास्ट करा दिया था और फिर उसके बाद जब हस्बैंड चले गए थे तो फिर मैं भी नहाने के लिए चली गई और अभी मैं जस्ट नहा के आई हूँ। और लंच वगैरह इतना खास तो कुछ बनाना नहीं है, सिर्फ आज खिचड़ी बनाऊंगी मैं क्योंकि नौमी को भी खिचड़ी अच्छी लगती है और मुझे भी अच्छी लगती है और कर्ड है तो हम खिचड़ी के साथ कर्ड खा लेंगे। और वैसे मैंने पुदीने की चटनी भी बनाई है, वो तो मैं खा लूँगी, नौमी तो नहीं खाता है क्योंकि उसमें मिर्च हो रही है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो रहा है। तो चलिए देखते हैं आज का दिन हमारा कैसा जाता है और इस व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं। तो लेट्स गो। जल्दी हो, अभी अभी दवाई डाल दूंगी। चल अब बेटा जल्दी आ जाओ, जब वॉशरूम जाओ सीधे चलो बैठ। आ बाबा, अब बाबा इधर कभी ना नहीं मानना कहना तो आ मेरा बच्चा। चलो दे गाइस, गाइस देख ले कितनी सारी गर्ल है यार। तो कि यहाँ पर बैठी है सती है ना। और गाइस आप देख ही सकते हैं यहाँ के प्लांट्स, वो गाइस ये देखिए, देख सकते हैं मेरी, देखिए आप देख ही सकते हैं। जल्दी आओ ना, वेट कर रही हूँ मैं। गाइस देखिए, अपनी मम्मा का कहना नहीं मानता। और गाइस ये उसको खेलने नहीं दे रहे, सुबह से खेल ही तो रहो बेटा। यूट्यूब का चैनल भी खराब कर दिया अपना, आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। तो गाइस अभी हमारा लंच भी हो गया है, नौमी को बोल रही हूँ मैं सोने आ जाओ तो उसके खेल ही खत्म नहीं हो रहे हैं। नौमी आ जाओ ना बेटा, सोते हैं, चलो आओ। चलो चलो एसी ऑन कर दी, गर्मी हो रही है बहुत। चलो चल ना बेटू। तो चलिए गाइस हम मिलते हैं आपसे शाम को, अभी थोड़ी देर हम रेस्ट करते हैं, नौमी को सुलाती हूँ मैं और मैं भी सोती हूँ। ये मैट्रेस देख रहे होंगे हम ना, मैंने रात को लगाए थे यहाँ पे, मेरे को मैंने सोचा कि मैं आराम से नीचे सो जाऊँगी मैट्रेस डाल के, बट नौमी ने मुझे नीचे नहीं सोने दिया, फिर अपना भी आ गया मतलब ये नीचे, और नीचे दोनों के लिए जगह हो नहीं पा रही थी और फिर थोड़ी देर मैं खुद ही चले गया था ऊपर सोने के लिए, तो इसलिए मैं इस वाले मैट्रेस पे सोई थी कल। तो चलिए गाइज अभी हम सोते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं हम लोग और फिर उठेंगे शाम को और फिर आपसे मिलेंगे हम शाम को। गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी शाम के 5:30 बज गए हैं और थोड़ी देर पहले हम उठ गए थे, नौमी भी उठ गया है आज, वो जल्दी उठ गया। और अभी चाय तो मैं नहीं बनाऊंगी क्योंकि मम्मी गए हैं मंदिर, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ट्यूसडे को मंदिर में सुंदरकांड होता है, तो मम्मी गए हैं वहाँ पे और हम मम्मी आएंगे ना तभी मैं चाय बनाऊंगी। और आज तो शायद हस्बैंड भी क्या पता जल्दी आ जाएं, आज फास्ट भी है उनका, तो तब तक मैं सोच रही हूँ कि डिनर की तैयारी कर लेती हूँ। डिनर में आज बोल रहे थे कि आलू के पराठे बना देना, तो वही मैं बनाऊँगी और तब तक आलू बॉईल कर लेते हैं और मसाला रेडी कर लेते हैं, आटा गूंद लेती हूँ और फिर उसके बाद तो क्या पता तब तक मम्मी आ जाए, फिर हम लोग चाय पियेंगे। और मम्मी के लिए साबूदाना सोख कर देती हूँ तो वो साबूदाने की खिचड़ी बना लूँगी उनके लिए। तो चलिए फटाफट से ये काम करते हैं। और नौमी आप क्या खाओगे, नौमी से पूछती हूँ मैं कि नौमी क्या खाएगा। नौमी आप क्या खाओगे बेटा, आप बताओ ना, फिर पता नहीं क्या होता है, बताओ।
अब एक काम करो, मैं आपको जूस दे देती हूँ, अभी थोड़ा जूस पी लो, ठीक है? उसके बाद फिर थोड़ी देर में आप दूध पी लें, ठीक है? हाँ, चलिए मैं अभी नौमी को अभी जूस दे देती हूँ, उसके बाद थोड़ी देर में आधे घंटे बाद मैं उसको दूध दे दूँगी बना के, ठीक है बेटा? बेटा गार्डन अभी ना वो अंधेरा हो रहा है, स्नेक वगैरह आते हैं ना वहाँ पे? नहीं आते बेटा, मेरे को डर लगता है ना। देखो मैं आज थोड़ा लेट हो गया क्योंकि आज पापा भी जल्दी आ गए थे, तो इस वजह से मैं आपको नहीं लेके जा पाई अब कल। और भाभी नहीं थी यहाँ पे, है ना? भाभी मंदिर गई हुई थी, तो कल ले जा लेंगे। सुबह तो गए हो ना आप वॉक करने, साइकिलिंग करने? सुबह गया हूँ, मतलब सुबह कोई नहीं खेल रहा था, मैं वापस आ गया था। तो कोई बात नहीं, कल सुबह चले जाना, ठीक है? कल सुबह कोई नहीं, बस कल ही का दिन है, परसों से तो आपके स्कूल खुल रहे हैं। फिर परसों से स्कूल खुल ले तो मम्मी मैं शाम को दे जाऊंगा। हाँ। परसों से स्कूल चल ले तो। हाँ। मम्मा आज बहुत ज्यादा लेट हो गए। वही तो बेटा, लेट हो गए। गंदी बात है मम्मा, ये गंदी बात है। हाँ, पर क्या करें, मम्मा को काम था ना। काम था तो वहां आके कर लेते। कैसे? कैसे मतलब? फिर नहीं होता ना वहां से आके काम, नहीं हो पाता बेटा। वहां आके क्यों नहीं हो सकता? अच्छा मौसम हो रहा है ना नौमी, कितनी प्यारी प्यारी हवा चल रही है ना। आप यहाँ ऊपर कैप पहनो, कैप पहनो। अरे वहाँ अंधेरे में वहाँ पे कुछ नहीं दिखता है नौमी। मुझे दिखता है ना, आँखें तो हैं हमारी। अरे आँखें तो हैं पर वहाँ पे लाइट कम है ना, लाइट तो वहाँ पे कुछ कीड़े वीड़े या स्नेक वगैरह आ जाएंगे तो फिर कट करेंगे वो। कोई बात नहीं, ये देखो हर चीज का जवाब रहता है नौमी आपके पास। और जिद नहीं करोगे कि मैं घर नहीं जाता, घर नहीं जाता, ठीक है? नहीं मेरी बात सुनो पहले, मेरा हाथ पकड़ो। अभी डिनर हमारा हो गया है और अभी भी मैं रूम पे आई हूँ अपने, और इतना ज़्यादा थकान हो गई है ना शाम के टाइम में ना।
जब मैं डिनर की तैयारी कर रही थी ना, तो हस्बैंड भी आ गए थे उस टाइम, और 7:30 बजे मम्मी भी आ गए थे मंदिर से। और उसके बाद नौमी ने इतनी ज़िद्द करी कि मुझे नीचे लेके जाओ। फिर मैं उसे 2 राउंड पूरी सोसाइटी के घुमाए, और उसके बाद फिर थोड़ी देर, आधा घंटा करीब, उसे गार्डन लेके गई। इतना मतलब उसने बहुत ज़्यादा ज़िद्द कर दी थी। फिर उसके बाद आधा घंटा उसने खेला, और फिर घर आने के बाद फटाफट से मैंने पराठे सेके, आलू के पराठे, तो हस्बैंड ने भी खाना खा लिया था। और उसके बाद फिर नौमी थोड़ी देर खेल रहा था, तो हस्बैंड को खाना खिलाने के बाद नौमी को भी खाना खिला दिया था। और मम्मी ने साबूदाना की खिचड़ी नहीं बनाई, पता नहीं उनका मन नहीं कर रहा था आज खाने का, तो अरबी मैंने बॉईल करी थी, तो अरबी को फ्राई करके खा लिया था उन्होंने, और रायता खा लिया था उसके साथ। तो बस कुछ इस तरह से रहा आज का दिन। पता नहीं क्यों थकान हो रही है, बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, और मतलब आँखें भी इतनी थकी थकी सी हो रही है, जलन कर रही है आँखें। तो कुछ इस तरह से रहा आज का ये दिन, आज का ये व्लॉग। आप सभी को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब इस व्लॉग को मैं यहीं पेंड करती हूँ, मिलती हूँ कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।